नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में इलेक्शन एट द रेट अहिरवाल। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ राजश्री तवाइत और इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट की। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग कुछ ही दिन में होने वाली है, ऐसे में हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र की चर्चा होना लाजिमी है। हरित प्रदेश में अहिरवाल पट्टी को सत्ता के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका मानी जाती रही है। अहिरवाल साहसी लोगों के लिए पहचान रखता है जो आदिकाल से अपनी बहादुरी व देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अहिरवाल बेल्ट में 11 विधानसभा सीटें आती हैं और ये सीट काफी अहम है। इस क्षेत्र में सियासी परिवारों का भी अपना समूह है जिनका जिक्र प्रदेश के तीन लाल राजवंशों, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल चौधरी देवीलाल व भजनलाल से कमतर नहीं कहा जा सकता। अहिरवाल के तीन परिवारों की तीसरी पीढ़ी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों वाले क्षेत्र में अपनी वंशवादी विरासत को आगे बढ़ा रही है। इनमें से एक परिवार का कुल राव तुलाराम से जुड़ा है जो हरियाणा की राजनीति में अहम किरदार निभाता है। चलिए जानते हैं किन किन सीट पर क्या और किस तरह से फाइट है। कहा जाता है हरियाणा की राजनीति दक्षिण से होकर गुजरती है, इसमें अहिरवाल बेल्ट भी आता है। अहिरवाल में एक समय बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार इस बेल्ट के समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। अहिर बाहुल्य में सबसे बड़े नेता के तौर पर राव इंद्रजीत की गिनती होती है। 6 बार लगातार सांसद बने हैं राव इंद्रजीत। कांग्रेस की अगर बात करें तो कैप्टन अजय यादव, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, रावदान सिंह और राव नरबीर के साथ अभय सिंह यादव का इस क्षेत्र में प्रभाव है। रिपोर्ट के जरिए जानते हैं अहिरवाल बेल्ट पर किस सीट पर किस तरह की फाइट है। हरियाणा में चुनाव प्रचार चरम पर है, तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। कहा जाता है हरियाणा की राजनीति दक्षिण से होकर गुजरती है, इसमें अहिरवाल बेल्ट भी आता है। अहिरवाल में एक समय बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार इस बेल्ट के समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। भाजपा ने भी पहले के मुकाबले इस बार राव इंद्रजीत सिंह पर उम्मीद से ज्यादा भरोसा जताया है। इन बेल्ट में आने वाले हलकों से चुनाव लड़ रहे कई नेताओं को राव के प्रभाव से उम्मीद है। हरियाणा में भाजपा को लगातार 2 बार सत्ता तक पहुंचाने में दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल बेल्ट की ही रही। दक्षिण हरियाणा में ब्रज बेल्ट के पलवल और फरीदाबाद जिले भी शामिल हैं। बेशक भाजपा नेतृत्व ने इस बार टिकट आवंटन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पसंद नापसंद का काफी ख्याल रखा है। देखने वाली बात होगी कि टिकटों पर इतना मंथन करना और राव इंद्रजीत की बात रखना बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है। देखा जाए तो हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट का अपना एक अलग महत्व है। राजस्थान के साथ हरियाणा के लगते क्षेत्रों को अहिरवाल बेल्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में हरियाणा के 3 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम आते हैं। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीट है। अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी का दबदबा रहा है। 2014 में बीजेपी यहां पर 11 सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी ने यहां 8 सीट जीती थी। 2014 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, जबकि 2019 में कांग्रेस ने 2 सीट जीती। अहिर बाहुल्य में सबसे बड़े नेता के तौर पर राव इंद्रजीत की गिनती होती है। 6 बार लगातार सांसद बने हैं राव इंद्रजीत। कांग्रेस की अगर बात करें तो कैप्टन अजय यादव, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, रावदान सिंह और राव नरबीर के साथ अभय सिंह यादव का इस क्षेत्र में प्रभाव है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव इस बार अटेली से चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अटेली सीट की। राव इंद्रजीत भले ही अटेली से कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनकी बेटी आरती राव राजनीति का डेब्यू अटेली से कर रही है। इस सीट पर काफी सोच विचार करने के बाद अटेली से आरती राव को टिकट दिया गया। अटेली में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में भी है। 2014 में संतोष यादव और 2019 में सीताराम यादव अटेली से विधायक रहे। भाजपा ने विधायक सीताराम की टिकट काटकर आरती को उम्मीदवार बनाया है। बसपा इनेलो गठबंधन टिकट पर चुनाव लड़ रहे ठाकुर अत्तर लाल इस सीट पर चुनावी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। 2019 में भी बसपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे ठाकुर अत्तर लाल ने पिछले
पिछले चुनाव में कांग्रेस व इनेलो को हाशिए पर पहुंचा दिया था। भाजपा की सीताराम के हाथों भी 18,406 मतों के अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन 37,387 वोट लेकर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं कांग्रेस ने पूर्व संसदीय सचिव अनिता यादव को टिकट दिया है। जेजेपी छोड़कर अनिता यादव फिर कांग्रेस में शामिल हो गई है। पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में वापसी कर चुकी अनिता यादव पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। वहीं जननायक जनता पार्टी ने आयुषी अभिमन्यु राव को टिकट दिया है। इस बेल्ट में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भी काफी प्रभाव है। वे अपनी बेटी की सीट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अटेरी और कनीना कस्बे वाले अहिर बाहुल्य इस इलाके से पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह भी 3 बार विधायक रहे। राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया। 1967 का विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में पटौदी से विधायक बने और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। वे 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 यानी 241 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बाद अहिरवाल के चौधर किनारे राव इंद्रजीत सिंह, रामविलास शर्मा और कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी दिए, लेकिन अभी तक ये इलाका सत्ता का केंद्र नहीं बन सका है। उसके बाद राव इंद्रजीत के भाई राव अजीत सिंह ने भी चुनावी मैदान में हाथ आजमाया, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो राव वीरेंद्र की राजनीतिक विरासत को राव इंद्रजीत आगे बढ़ा पाने में सफल है। हरियाणा में यादव लगभग 12% है। विधानसभा की 2 दर्जन सीटें अहिरवाल में आती है, जो किसी भी सरकार का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती है। चलिए अब बात करते हैं राव के परंपरागत सीट कोसली की। कोसली में भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की परंपरागत सीट कोसली पर कड़ा मुकाबला बना हुआ है। 2008 के परिसीमन में जाटूसाना को खत्म करके कोसली हल्का बनाया था। जाटूसाना से राव इंद्रजीत सिंह के पिता व पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह विधायक रहे। राव इंद्रजीत सिंह ने जाटूसाना यानी कि कोसली से 4 बार विधायक बने। भाजपा ने इस बार राव इंद्रजीत सिंह के करीबी अनिल रहीना को टिकट दिया है। बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे जगदीश यादव कांग्रेस टिकट पर अनिल रहीना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। साल 2008 में पहली बार कोसली विधानसभा अस्तित्व में आई। 2009 में पहली बार कोसली विधानसभा में चुनाव हुए और कांग्रेस के राव यदवेंद्र सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। 2014 में बीजेपी ने विक्रम ठेकेदार को टिकट दिया। 2014 में कांग्रेस ने जगदीश यादव को टिकट दिया और बीजेपी के विक्रम ठेकेदार चुनाव जीते। 2019 में बीजेपी ने लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दिया। 2019 में कांग्रेस ने राव यदवेंद्र सिंह को टिकट दिया। 2019 में बीजेपी ने फिर यहां से जीत हासिल की। कुल मिलाकर अटेली और कोसली का समीकरण हमने आपको बताया। अब देखने वाली बात होगी कि 5 अक्टूबर को जनता किसे अपना वोट देती है। हरियाणा में अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव प्रचार चरम पर है और ऐसे में तमाम नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब किसके दावे जनता को भाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। दस साल से अहिरवाल क्षेत्र की राजनीतिक फिजाओं में बीजेपी ही बसी है, लेकिन 2014 में गुरुग्राम जिले की 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2019 में बादशाहपुर के रूप में 1 सीट को खो बैठी। अब इस इलाके में बीजेपी की कितनी पकड़ है या फिर कोई दूसरी पार्टी अंदर ही अंदर अहिरवाल में समा रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस
बार गुरुग्राम सीट पर भी हर किसी की नजर है, क्योंकि बीजेपी ने तमाम मंथन के बाद अपने मूल कैडर वोटर वैश्य की अनदेखी कर ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाकर अलग ही खेल खेला है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर करीब 40,000 के आसपास बताए जाते हैं, वहीं पंजाबी करीब 95,000, जाट 40,000, वैश्य 45,000 की संख्या में बताए जाते हैं। 2009 व 2014 में बीजेपी ने अपने मूल कैडर वैश्य चेहरे को चुनावी रण में उतारा और दोनों बार ही उसके हाथ सफलता लगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर पंजाबी चेहरे पर दाव लगाया है। अभी तक हुए 13 चुनाव में से एक बार भी ब्राह्मण चेहरा विधायक नहीं बना है। इस सीट पर 4-4 बार जाट व पंजाबी चेहरे विधायक बने, 3 बार वैश्य व 2 बार यादव ने बाजी मारी। गुरुग्राम सीट को पंजाबी वोटर्स बाहुल्य सीट कहा जाता है, लेकिन आंकड़े इसे इत्तेफाक नहीं रखते। 2009, 2014 व 2019 के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस के टिकट पर 4 बार के विधायक धर्मवीर गाबा 2009 में दूसरे पर तो 2014 में तीसरे नंबर पर रहे। 2019 में कांग्रेस के सुखबीर कटारिया तीसरे नंबर पर, 2009 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुखबीर कटारिया चुनाव जीते। वर्ष 2009 के परिसीमन के बाद 3 चुनाव हुए और तीनों ही चुनाव में गुरुग्राम सीट से पंजाबी चेहरे को जनता ने नकार दिया, जबकि इसके पहले 1967 से 2019 तक हुए 13 चुनाव में से कांग्रेस सर्वाधिक 6 चुनाव जीते। बीजेपी 3 बार 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी जीते। 1967 में भारतीय जनसंघ व 1977 में जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते। 1991-1996 में कांग्रेस से धर्मवीर गाबा विधायक बने। 2000 में निर्दलीय गोपीचंद गहलोत, 2005 में कांग्रेस से धर्मवीर गाबा की जीत। 2009 में निर्दलीय सुखबीर कटारिया, 2014 में बीजेपी से उमेश अग्रवाल जीते, तो 2019 में बीजेपी से सुधीर सिंगला विधायक का चुनाव जीते। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा पहलवान को संगठन का पूरा साथ मिलता नजर नहीं आ रहा है। ब्राह्मण समाज भी कई धड़ों में बचा है। जीएल शर्मा के साथ लगी ब्राह्मण समाज की संस्थाएं अब नवीन के खेमे में जाती नजर आ रही है। जाट पहले से ही बीजेपी से नाराज है और कांग्रेस ने जाट चेहरों को टिकट नहीं दी तो वो भी विकल्प के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल के खेमे में जाती दिख रही है। इसके पीछे उनकी सोच है कि कांग्रेस प्रत्याशी मोहित ग्रोवर 2019 के चुनाव के बाद से निष्क्रिय हो गए और इस चुनाव में यदि नवीन जीते तो कांग्रेस या बीजेपी को विधायक चाहिए, वो किस जाति से है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। बीजेपी से टिकट मांग रहे थे नवीन गोयल, जो कि वैश्य चेहरा है, और जब टिकट नहीं मिली तो सर्वसम्मति से जनता के निर्णय पर वो चुनावी रण में कूद गए। वैश्य समाज को अपनी जाति का चेहरा मिलने से वो एकजुट होकर नवीन का साथ देते नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सोना सीट। इस सीट को लेकर कहा जाता है कि इस सीट पर हमेशा बाहरी प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोना सीट पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। सोना से बीजेपी ने पूर्व विधायक तेजपाल तंवर को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने रोहताश खटाना को टिकट दिया है। साल 2014 से पहले यहां कभी कमल नहीं था। 2014 में बीजेपी के तेजपाल तंवर ने चुनाव जीता। 2014 के चुनाव में इनेलो दूसरे नंबर पर। 2019 में भी बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 2019 में बीजेपी के संजय सिंह चुनाव जीते। बीजेपी के रोहताश खटाना दूसरे नंबर पर रहे। इस बार रोहताश खटाना कांग्रेस के सोहना से प्रत्याशी हैं। चलिए बात करते हैं बादशाहपुर सीट की। यहां से पूर्व मंत्री राम नरवीर सिंह के लड़ने से इस सीट की चर्चा ज्यादा हो रही है। राम नरवीर सिंह ने 5 साल बाद मजबूत वापसी करते हुए बादशाहपुर से दोबारा टिकट हासिल की है। बादशाहपुर सीट से कांग्रेस ने वर्धन यादव को बनाया कैंडिडेट। हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं और लोकसभा चुनाव में भी अहम भूमिका की। बीजेपी ने राम नरवीर सिंह को बनाया उम्मीदवार। 2014 में बादशाहपुर से जीत कर मनोहर लाल 1.0 में मंत्री बने थे। 2019 में राम नरवीर का टिकट कट गया। 63 साल के राम नरवीर सिंह 25 साल की उम्र में हरियाणा के गृह राज्य मंत्री बने, जो अभी तक रिकॉर्ड है। 3 बार हरियाणा के मंत्री रह चुके राम नरवीर के सामने कांग्रेस ने वर्धन यादव पर दाव खेला है। गुरुग्राम के बादशाहपुर सीट के अंतर्गत काफी शहरी क्षेत्र आता है। बादशाहपुर हरियाणा सर्वाधिक मतदाताओं वाली सीट है। वर्धन यादव मूल रूप से गुरुग्राम के रहने वाले हैं। वो NSUI में सक्रियता रखने के बाद पार्टी के संगठन
लोकसभा चुनावों में वर्धन यादव ने फिल्म अभिनेता राज बब्बर के चुनाव प्रचार के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाई। वर्धन यादव को किंग दीपेंद्र हुड्डा का हिस्सा माना जाता है। 35 के वर्धन यादव पहला चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो जहां उनका युवा और निर्विवादित होना मजबूती है, तो दूसरी तरफ राव नरवीर सियासत के बड़े खिलाड़ी। गुरुग्राम लोकसभा सीट के आने वाली बादशाहपुर सीट काफी बड़ी है। इस सीट पर 5 लाख से अधिक वोटर है। 2014 में बीजेपी से राव नरवीर जीते थे, लेकिन 2019 में ये सीट निर्दलीय राकेश रौलताबाद ने जीती थी। उन्होंने तब बीजेपी को शिकस्त दी। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय राकेश दौलताबाद का निधन हो गया और उसके बाद अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। कुमुदनी दौलताबाद निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बादशाहपुर में मुकाबला दिलचस्प है। और अहिरवाल बेल्ट की ही अगर हम बात करें तो 11 की 11 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कहां पर बाजी मारता है। सबके अलग दावे हैं, सबके अलग मत है, लेकिन जनता अपना पसंदीदा उम्मीदवार जरूर चुनेगी और इसका फैसला 8 तारीख को हो जाएगा, तो इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। अहिरवाल बेल्ट रेवाड़ी बावल नारनौल नांगल चौधरी सीट पर मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा। हरियाणा में रेवाड़ी सीट जिले की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। वही बात करें बावल सीट की तो यहां मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। नानौल सीट को लेकर कहा जाता है कि यहां पर अहीर जाति के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नांगल चौधरी विधानसभा सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। इस विधानसभा में ग्रामीण इलाका बड़ी संख्या में है। इन सीटों पर क्या है समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। हरियाणा में रेवाड़ी सीट जिले की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी व निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबले को रोचक बनाए हुए हैं। इस सीट पर कैप्टन परिवार, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की साख दांव पर है। आपको बता दें यहां से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पर 6 बार लगातार विधायक रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे व निवर्तमान विधायक चिरंजीव को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास माने जाने वाले कोसली से निवर्तमान विधायक लक्ष्मण यादव को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व जिला प्रमुख व रेवाड़ी के बार एसोसिएशन के 6 बार प्रधान रहे सतीश यादव चुनावी मैदान में हैं। अहिरवाल बेल्ट में ये सीट काफी अहम है। 2019 में कांग्रेस के चिरंजीव ने कड़े मुकाबले में बीजेपी के सुनील मुसेपुर को हराया था। 2014 में भाजपा के रणधीर कापड़ीवास ने कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव को हराया था। इस सीट पर कैप्टन अजय यादव ही लगातार 6 बार विधायक बनते आ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बावल सीट की, तो यहां मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। बीजेपी ने डॉक्टर बनवारी लाल का टिकट काटकर हेल्थ डिपार्टमेंट में निदेशक के पद से इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल होने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक डॉक्टर मुनिलाल रंगा को प्रत्याशी बनाया है। एमएल रंगा 2005 में एनएलओ से चुनाव लड़े और जीते थे। रंगा 2019 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से प्रत्याशी थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। 2019 और 2014 में इस सीट से बनवारी लाल विधायक रहे। हालांकि बनवारी लाल ने रंगा को 2019 में बड़े अंतराल से हराया था। इस बार बीजेपी ने बनवारी लाल का टिकट काटकर डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दिया है। देखने वाली बात होगी कौन इस सीट पर कब्जा करता है और क्या कांग्रेस इस सीट पर वापसी करती है। बात अगर नानौल सीट की करें तो नानौल सीट को लेकर कहा जाता है कि यहां पर अहीर जाति के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके ऊपर इसी नानौल सीट पर सैनी समुदाय के लोग भी अभी भूमिका निभाते दिख जाते हैं। ब्राह्मण और महाजन मतदाता भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। नानौल एक ऐसी सीट रही है जहां पर मुकाबला हमेशा से बीजेपी बनाम कांग्रेस देखने को मिला है। इस वजह से कांग्रेस ने तीसरी बार इसी सीट से राव नरेंद्र को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने तीसरी बार ओम प्रकाश यादव पर भरोसा जताने का काम किया है। अगर नानौल सीट की पिछले बार के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने जेजेपी के कमलेश सैनी को बड़े अंतर से हरा दिया था।
उस चुनाव में तीसरे नंबर पर कांग्रेस के नरेंद्र सिंह रहे थे, जिन्हें 25,009 वोट मिले थे। इससे पहले 2014 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के ओम प्रकाश ने ही जीत हासिल की थी। बड़ी बात ये रही, उस चुनाव में भी कांग्रेस के नरेंद्र सिंह तोमर तीसरे पायदान पर रहे। नांगल चौधरी सीट की अगर बात करें तो नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले में आती है और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल है। नांगल चौधरी विधानसभा सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। इस विधानसभा में ग्रामीण इलाका बड़ी संख्या में है। नांगल चौधरी एक बड़ा गांव है जो अब आधुनिक शहर बनता जा रहा है। इसे हरियाणा का पहला साइबर गांव भी कहा जाने लगा है। ऐसा कहा जाता है कि अहीर बेल्ट में यहां के वोटर निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। 2019 और 2014 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की। इस सीट पर बीजेपी के अभय चौधरी और कांग्रेस की मंजू चौधरी के बीच फाइट है। सबसे पहले 2014 में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। 2014 में मंजू चौधरी मात्र 981 वोटों से हारी थी। 2014 में मंजू चौधरी ने इनेलो से चुनाव लड़ा था, तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर इनेलो का वर्चस्व भी रहा है और है भी। इस बार का चुनाव काफी अहम है। 2024 में एक तरफ बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है सत्ता में वापसी कर ले। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। तमाम सीटों पर जो बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक है वो पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनेलो और जेजेपी भी मैदान में है। ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है और इसके बाद सीधा चंडीगढ़ तक पहुँचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक तरह से देखा जाए तो अहिरवाल सीट की काफी अहम भूमिका है। अहिरवाल सीट के अंदर 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिनके बारे में आपने जाना। आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अहिरवाल बेल्ट पर अगर जीत मिल जाए तो बीजेपी सरकार बना सकती है, हैट्रिक पा सकती है। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े नेता यहां पर रैली कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का एक समय में अहिरवाल बेल्ट गढ़ रहा है, लेकिन अभी वो बीजेपी का किला बन गया है। अब देखने वाली बात होगी किसकी मेहनत कितना लाती है। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।